रक्षाबंधन के मौके पर हरियाणा सरकार ने महिलाओं को तोहफा दिया है। वहीं यमुनानगर रोडवेज डिपो पर भी इसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। यमुनानगर जीएम रोडवेज बालक राम ने बताया कि हरियाणा सरकार ने ऐलान किया है कि रक्षाबंधन पर महिलाएं 10 अगस्त को दोपहर 12 बजे के बाद 11 अगस्त रात्रि 12 बजे तक राज्य की रोडवेज बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगी। हरियाणा सरकार के अभी हमारे पास भी पत्र आया है जी, और रक्षाबंधन पे हर साल की तरह इस साल भी महिलाओं के लिए और साथ में एक बच्चा मतलब 15 साल से कम उम्र का ट्रैवल कर सकता है। 11 तारीख का रक्षाबंधन है, तो एक दिन पहले से ही और रात के 12 बजे तक फ्री ट्रैवल कर सकते हैं महिलाएं। हमारा प्रयास है हम सभी को जो है सुविधा दें, और हमारी जितनी बसें हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में 127 बसें पूरे घूमेंगी, हम किसी बस को वर्कशॉप में नहीं खड़ा करेंगे, पब्लिक को पूरी सुविधा देंगे। तैयारियाँ इसके पर हमने जी हर घर तिरंगे के उपलक्ष्य में सभी अपने जो कर्मचारी हैं उनको आदेश दिए हैं, वो भी इसकी पालना में घर घर तिरंगा फहराएंगे, और साथ में हम हमारी जो बसें हैं उन पे भी हम तिरंगा सभी बसें पे लगाएंगे, और सभी चालक उसके साथ जो है ट्रैवल करेंगे बस के साथ। जी हाँ, हमारा पूरा सहयोग है, आज़ादी का जो उत्सव है उसको धूमधाम से मनाएंगे।